एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण शहर से, जहां एक गर्भवती महिला ने रेलवे स्टेशन के स्काई वॉक पर ही बच्चे को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि कल्याण पूर्व इलाके की रहने वाली सुरेखा शिंदे नाम की महिला को रात के समय अचानक से प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद वे अपने एक रिश्तेदार के साथ घर से रुक्मणी बाई सरकारी अस्पताल के लिए निकली थी, लेकिन रेलवे स्टेशन के स्काई वॉक पर पहुंचते ही महिला को तेज दर्द होने लगा और वे स्काई वॉक पर ही चिल्लाने लगी। महिला की हालत देख स्टेशन क्षेत्र में खड़ा एक रिक्शा चालक उसकी मदद के लिए दौड़ा। इस दौरान उसने एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर डायल किया, लेकिन सूचना मिलने के बावजूद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। आखिरकार दर्द से तड़पती महिला ने स्काई वॉक पर ही बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान रिक्शा टैक्सी एसोसिएशन के सदस्य गणेश पंडाल के कार्यकर्ता और रिक्शा चालकों ने प्रसूति के लिए जरूरी सामान मुहैया कराया। इसके बाद रिक्शा चालकों ने निजी अस्पताल के एम्बुलेंस को कॉल कर बुलाया और महिला और उसके बच्चे को अस्पताल भिजवाया, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। यहाँ तो कुछ फैसिलिटी नहीं है, नाइट में पहली बात तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। एक्चुअली बोले तो आप 108 पे फोन किया गया, वो लोग आएगा बोल के पाँच मिनट दस पे नहीं आया, वो लोग उनका रिजेक्ट हो गया। फिर उनके बाद में क्या है, अपन प्राइवेट वाले को फोन किया, अपने दोस्त लोग था उनको फोन किया, तो वहाँ से वो 10 मिनट में एम्बुलेंस भेजा, उसके बाद में उनको लेके चला गया। तो उसके आगे क्या प्रोसीजर क्या है वो हम तो कुछ बता नहीं सकते। अभी एक मिनिमम 3-3.5 के अंदर प्रशासन से हमको यही मांगी है, जो कल्याण ईस्ट में कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। सुरेखा सिंधे ऐसा कुछ नाम है उनका, इतना आइडिया नहीं है। महिला फिलहाल यहाँ से स्काई वॉक पकड़ के वो अभी स्टेशन की तरफ जा रहा था, अभी वो किधर जा रहा था वो हमको मालूम नहीं। वो स्काई वॉक में उसका डिलीवरी हो गया ऑलरेडी नॉर्मली, वो उसमें हम रिक्शा वाले थे, हम रिक्शा वाले ने जो मदद किया नहीं है एम्बुलेंस का सुविधा नहीं। एम्बुलेंस वाले को फोन किया गया 108 पे, वो बोला 10 मिनट करते पूरा दिन अभी तक नहीं आया। उसके बाद हमको प्राइवेट वाले को बुलाना पड़ा, हमारा दोस्त लोग था उनको ही बुलाना पड़ा, तो उन्होंने 10 मिनट में एम्बुलेंस लेके गया। अभी वो किधर लेके गया वो हमको उतना आइडिया नहीं, कौन सा MI में गया या रुक्मणी में गया वो नहीं अपने को आइडिया।